उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तारीख टाले जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी निशाने पर है और अखिलेश यादव ने भाजपा और सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उपचुनाव की तारीखें आगे बढ़ने के बाद अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। आप खुद सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसी की वजह से चुनाव टाल रही है। मैदान में आपने देखा होगा पहलवानों को, रिंग से बाहर कौन सा पहलवान भागता है? कौन सा पहलवान रिंग से बाहर भागता है? बार बार जो हारता है, इसीलिए कभी अयोध्या का चुनाव टाला इन्होंने और ये अब तारीख बदल दी। जब इन्हें यही बढ़ाना था तो ये पहले भी तो चुनाव करा सकते थे जिन तारीखों में आज चुनाव हो रहे हैं। क्या वजह कि इन्होंने तारीख बदल दी? इसका फायदा मिलेगा क्या भाजपा को? वो कोई ना कोई खास तैयारी भाजपा कर रही होगी, जो जो समय उन्हें नहीं मिला, जो समय नहीं मिला। बीजेपी की जो खास तैयारी है वो पुलिस को आगे करके है। जब आप मुख्यमंत्री जी से ये सुनते हो कि मैं रामपुर बना दूंगा, इसका मतलब ये है कि वोट नहीं डालने देंगे। लोकतंत्र में या चुनाव आयोग इन बातों को देख रहा होगा कि इनकी तैयारी खास ये है कि वोट ना पड़ पाए। बूथ चिन्हित कर रहे होंगे ये लोग, बूथ चिन्हित कर रहे होंगे कि बूथ पर फोर्स लगा दो कि वोट निकले नहीं, जबकि फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट आए। ये केवल वोट रोकने की रणनीति बनाएंगे, इसीलिए इन्होंने हफ्ता बढ़ाया। और इन्हें पता था त्योहार पे जो लोग आए हैं दूर से छोड़ करके, वो सब इन्हें चुनाव हरा देते। मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर, बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या दलित दस्तक @ gmail.com पर ईमेल करें।